घटती सुविधाएं और बढ़ती काम चोरी, पक्ष और विपक्ष। टॉपिक क्लियर है? दंतेवाड़ा जिला दो मिनट का समय के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं श्रीमती सुमित्रा सूरी दंतेवाड़ा जिले से हूँ और आज डिबेट प्रतियोगिता में भाग ली हूँ और इसका विषय है फ्री में घटती सुविधाएं और बढ़ती काम चोरी। पक्ष में मैं अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है बस्तर जिला, तो यहाँ पे अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं और ये सामान्य वर्गों से पिछड़े हुए हैं, और क्योंकि ये मतलब कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में भी हो, ये पिछड़े हुए हैं और हमारी जो शासन जो भी होती है वो इनको सुविधाएं देती है और जो गरीबी वर्ग के लोग हैं उन्हें चावल और जो पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम वितरण फ्री में दिया जाता है। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को मोबाइल लैपटॉप आदि की सुविधाएं उनको दी जाती है, क्योंकि वे वर्ग जो है सामान्य वर्गों की तुलना में बराबर आ सके, इसलिए ये सुविधाएं शासन के द्वारा दी जाती है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो व्यक्ति इन आवश्यकता की चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता वो शासन से प्रदत्त इन सुविधाओं को लेकर अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, अपनी गरीबी को मिटा सकता है और सामान्य वर्गों की तुलना में उनके बराबर आ सकता है। तो ये शासन की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं कि हम लोग इसके तहत ही सामान्य वर्ग तक पहुंच सकते हैं। तो ये सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसा मेरा विचार है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम श्रीमती सीता सिंह है, मैं दंतेवाड़ा जिला से हूँ और मुझे विपक्ष में फ्री में बढ़ती सुविधाओं और बढ़ती कामचोरी पर बोलने के लिए मुझे चांस मिला है। मैं मेरी दीदी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हर चीज़ सुविधा मतलब फ्री में मिले, है ना। आज फ्री का सामान मतलब फ्री का चीज मिलने के कारण हमारे आदिवासी भाई, है ना, हमारे बच्चे हॉस्टल में रहने वाले वे लोग भी फ्री में हर चीज सुविधा मिलने के कारण ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। मैं एक शिक्षिका हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है जैसे फ्री में पाठ्य पुस्तकें मिलती बच्चों को, है ना, ये बच्चे क्या करते हैं पुस्तकें फ्री में मिलने के कारण पेपर जैसे तिमाही पेपर होता है तो बच्चे किताब छोड़कर चले जाते हैं, है ना। ये फ्री में मिल रहा है इसलिए अगर इनके माँ बाप मेहनत के पैसे से खरीद कर देते तो शायद उन पुस्तकों को वे संभाल कर रखते। इसलिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि फ्री में मिलने से सारी सुविधाएं मतलब कमजोर वर्ग के बच्चों को या लोगों को, है ना, सुविधाएं मिले या फिर वे सामान्य लोगों के बराबर वे लोग आए, मैं इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज हमारे समाज में हमारे आदिवासी भाई बहनें फ्री में चावल मिलने के कारण, है ना, अपना खुद के लिए मतलब ना कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहते, फ्री का चावल बेच कर उनका दुरुपयोग करते हैं, है ना, समाज के भाई, है ना, बहनें। तो मैं इसलिए फ्री का जो भी सामान मिलता है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत को हमको स्वयं करके, है ना, हमें मतलब विकास की ओर बढ़ाना है। इसलिए मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि
मतलब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ये है कि यदि हमारा वर्ग पिछड़ा हुआ है तो उनको सामान्य स्तर तक लाने के लिए तो हमको ये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगर ठीक है जिन वर्गों के लिए करना था तो हमें सामान्य वर्ग मतलब दूसरे वर्ग पिछड़ा सामान्य हर सारे वर्गों के लिए भी ये फ्री की सुविधा दी जानी चाहिए तभी ये संभव। क्योंकि उसमें स्तर देखा जाएगा कि भाई स्तर कौन सा है उसके हिसाब से दिया जाएगा तो अन्य वर्गों के लिए तो ये सुविधाएं आवश्यक हैं। मैं तो सहमत नहीं हूँ सारे लोगों के लिए सभी वर्ग के लिए सुविधाएं बराबर होनी चाहिए तो बाकी लोगों को भी इस कंपटीशन में आना चाहिए। और अच्छा टॉपिक था आप सिंगल है तो आगे भी जाएंगे लेकिन आपका जो टॉपिक था फ्री में बढ़ती सुविधाएं और बढ़ती काम चोरी।